गुड मॉर्निंग, बहुत दिन बाद मॉर्निंग में बैल्कनी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब रात से मुझे लग रहा है कि बारिश नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा रोड वगैरह सूखा है। वहाँ पे तो पानी जम गया था पिछले दिन बहुत ज़्यादा, तो वो तो पानी सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज का मौसम। बाहर निकलने का जैसे लग रहा है, देखती हूँ। आज थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान भी है, मतलब कल रात में, जैसे सबका छुट्टी है ना आज, तो इसीलिए नील बोल रहे थे कि चलो आज कहीं पे चलते हैं, क्योंकि उनका भी तो उस दिन शर्ट पैंट कुछ नहीं हुआ था, तो सोच रही हूँ कि आज जाऊँगी कहीं पे, अगर भी बारिश मतलब इतना ऐसा ही वेदर रहा ना तो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ तो भी जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो नहीं जाएंगे। और ये देखिए, दो कली आया था ना वहाँ पे, ऑरेंज कलर का रोज़ वो हुआ है। मैं सोची थी ये रेड वाला है, तो नहीं, जब ये खिला तो मैं देखी वो, अच्छा अच्छा ये ऑरेंज गुलाब जो था उसका है। रेड वाले में भी छोटा सा कली आया है, रेड या वाइट कुछ भी तो होगा। मैं ये कर रही हूँ, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाले में छोटा सा कली आया है, और उसको भी मैं काट छाट के थोड़ा सा ठीक की हूँ। पत्ता झड़ रहा था उसका, जो मतलब पर्पल कलर वाला है ना वो, उसको देखती हूँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी मनी प्लांट, ये ऐसे करके नीचे आ रहा है, वो पीछे से भी ऐसे जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। कड़ी पत्ता भी यहीं पे है, कुछ लाओ घर पे जैसे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, छोटा सा मतलब मैंने ये किया, प्लांट पौधा लगाया, लेकिन उसका भी मतलब ठीक से केयर हो रहा है, यही अच्छा लगता है। घर वाला भी ठीक है, घर में जो है ना बाकी सब वो भी ठीक है, वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सब भी है। और आज मेरी एक छुट्टी भी है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं नील, मतलब वो रील्स देखते रहते हैं ना, तो उसमें कहीं पे पनीर पराठा का कुछ दिखे हैं, तो वो देख के उनको लगा कि हाँ ठीक है, मैं कल ये बनाऊँगा, क्या पनीर पराठा। तो कभी कभी नील का ऐसा होता है, घर में जब रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ एक रेसिपी लेके मेरे से बोल देंगे कि ये मैं बनाऊँगा करके। हाँ तो चलो, और उनका मतलब बोलने का है कि मैं उनको किचन पूरा छोड़ती नहीं हूँ। देखिए, आप लोगों से बाहर में आके बातें कर रही हूँ, वो अकेले बना रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं किचन में घुसूँगा तो तुम पीछे पीछे आ जाओगी, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे करके टोकती रहोगी। ऐसा मतलब देखिए कुछ गड़बड़ होता है, पूरा एकदम गंदा कर दिया। मेरे को देखने में तो ऐसा ये लगता है कि मेरा किचन थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा गंदा होता है मैं पोंछ देती हूँ, तो ठीक है उतना ना हो पाए। तो नील पहले ऐसे फैलाते थे, अभी मतलब बहुत सुधर गए, अभी नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे पीछे जाती थी कि ठीक है यहाँ पे गिरा दिया, थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो सब नील को नहीं चलेगा। वो काम करके मतलब किचन में रहेंगे तो अकेले रहेंगे, ये बात है। तो अभी अकेले छोड़ दी हूँ, बना रहे हैं, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा ना दिखाती हूँ। एक हुआ, नहीं बन रहा है, बन रहा है, क्या हुआ, उठ नहीं रहा है, रुको रुको रुको, इसके अंदर फीलिंग है क्या? चलो, अब मैं नहीं आती तो क्या होता, कर देते हैं। देखो, देख रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, बोल रहे कर देता, उठ नहीं रहा था, मैं मतलब आई तो उठा के दे दी, वो फट क्या हुआ। अच्छा, और ये देखिए क्या, चीज, पनीर, घी, प्याज सब डाल के बन रहा है क्या? Yes. इसके अंदर फिलिंग है, ठीक है बनाओ। क्या हुआ, ए पट बदमाश, क्या हुआ है? ये क्या दिखाओ, अच्छा वो भी कुछ दिखा रही है, ये देखो, एक इंसान है ना, से काट के बना है। हाँ, इंसान काट के, ड्रेस, कौन सा ड्रेस, हाँ ड्रेस पहनाओ। अच्छा, ये सब पेपर से वो कटिंग करके एक डॉल बनाई है, उसका ड्रेस भी पेपर कटिंग है, और बाकी सब ये सब मेकअप का सामान है क्या? हाँ दिखा दो, ये ब्लश, ब्लश है, ब्लश आज तो ड्रोन है। अच्छा ठीक है, लिपस्टिक है, ये लाइनर है। अच्छा ठीक है, सब दिखा दिया, ठीक दिखा दिया, बहुत अच्छा। ये सब बनाई है तो आप लोगों को दिखाई हूँ, ऐसा सीखी है कटिंग करके। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेती हूँ।
ब्रेकफास्ट में पराठा जो बना था सही में टेस्टी बना था, भले शेप इधर उधर हो लेकिन टेस्टी पराठा बना था। अभी क्या ला रही हो? फ्रूट्स। पापा ने फ्रूट्स काट दिए। अच्छा जी, देखो मैंगो ला रहे हैं। अभी मैंगो का सीजन भी जा रहा है, जितना हो सके खा लो। ठीक है, तो लंच की प्रिपरेशन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये दाल चावल भिगोई हूँ, इसमें मतलब क्या बोलते हैं गोटा मसूर, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर का दाल है, सब मतलब मिक्स दाल डाल के, मतलब समझ ही गए होंगे, चावल और दाल मिला के खिचड़ी। तो आज खिचड़ी बनेगा, बहुत दिन से सोच रही थी खिचड़ी बनाऊंगी लेकिन जब बारिश हुआ तब बनाना नहीं हुआ, लेकिन आज बारिश नहीं है लेकिन मौसम तो एकदम मानसून वाला ही है तो अच्छा लगेगा। तो वही आज खाएंगे खिचड़ी, खिचड़ी के साथ फूल गोभी ये सब है तो उसका फ्राई करूंगी, वो सब अच्छा लगता है ना, फिर खिचड़ी के साथ पकोड़ा वगैरह, पापड़ है, पापड़ फ्राई कर देंगे। तो ऐसे ही लंच में बनेगा। आम स्पून से कौन खाता है? इसका कुछ अजब ही है, जानते हैं ये घर में रहेगी ना मेरे को तंग करके छोड़ती है, आप लोग को मतलब क्या बोलूं, हर एक चीज तो कैमरा में मतलब मैं नहीं ले पाती हूँ लेकिन इतना तंग करती है, मैं क्या बताऊं। देखो मैंने मैंगो ले लिया स्पून में, नीचे बैठ के मैंगो स्पून में लेके खा रही है। खाओ अभी, अच्छा ज्वाइन करो टीम को। अच्छा टीम को ज्वाइन करो, ठीक है चलिए मैंगो खा लेते हैं, फिर उसके बाद लंच की प्रिपरेशन होगा, उसके बाद कब निकलेंगे क्या होगा वो तो आप लोगों को आगे आगे पता ही चलेगा, लेकिन आज निकलने का मन तो बहुत हो रहा है। 1:30 बज गया अभी भी पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही हो? ये तो बेडशीट चेंज किया। खाना कब मिलेगा? अभी मिलेगा, रुको थोड़ा सा, अभी तो बेडशीट चेंज किया। ओके अभी देती हूँ 2 मिनट में, ये ठीक कर लूँ। इसका वाला पिलो कवर साइड से स्टिच खुल गया तो इसीलिए ये कलर वाला पहना लिया। ठीक है चलो देती हूँ, अब वो बैठो मैं देती हूँ। ये क्या होना है? हाँ तो उठाओ, अरे डांटेंगे तुमको, चावल सब तो टूट जाएगा, चल आ जाओ हाँ? बोल तो फ्रूट्स नेबे, देखो हमने भी बोलचे चपाती वाला मार्केटिंग हो गया, अभी फिर से जा रहे हैं, अभी मॉल के अंदर थोड़ा कुछ खरीदना था, वो सब खरीद के गाड़ी में रख के फिर हम लोग जा रहे हैं फिर से मॉल में एंट्री करने पे। हम तो दौड़ रही है आगे आगे, उसके पीछे भागना मतलब एक क्या, आप बोल रही है खाना खाने जाएंगे, देखो सामने में कैसे भाग रही है ये देखो। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पौधा मिलता है, मैं यहाँ से पहले जो ली थी ना यहीं से ली थी। दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे कितना भीड़ रहता है। बहुत लाइन का पूरा एरिया गोल गोल घूम घूम के फाइनली जाके बहुत मुश्किल से सीट मिला, यहाँ पे बहुत भीड़ है आज। मैं तो आज मतलब बेच है तो इसलिए मैं बोली हूँ कि डोसा लाने के लिए आज चाय अब मिलेगा तब ना, कभी कभी मिलता भी नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं, आज कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है।
तो अभी शॉपिंग करना बाकी है। अब तक घर का जैसे सब्जी भाजी दाल चावल इसका शॉपिंग हुआ, तो मेन शॉपिंग बाकी है। अभी जाएंगे यहाँ पे, पेखम को तो भूख लग जाती है आते ही, तो इसीलिए पेखम को पहले खाना है। चिकन बर्गर, इसके पापा बोले कि चलो बर्गर इतना फेवरेट है तुम्हारा तो चिकन बर्गर, यहाँ पे आती है तो बर्गर किंग का वो चिकन बर्गर उसका मतलब बहुत फेवरेट है, वो खाती है। तो ठीक है दे दो, हम लोगों का वेज है। तो नील को बोली हूँ डोसा लाने के लिए, देखती हूँ अभी देख नहीं पा रही हूँ कि कहाँ पे है नील, तो इसके लिए तो मैं ला दी। और चॉकलेट मिल्क शेक, मैं तो ठंडा कुछ नहीं खाऊँगी, मेरा तो अभी खांसी ठीक हुआ ही नहीं है, बैड लक मेरा। चलिए नील आ जाते हैं फिर देखती हूँ, मैं भी चाय बोली हूँ नील को लाने के लिए। अब ये फ्रेंच फ्राइज बेकन के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। बालो नील फिर से गए हैं और एक जगह में ट्रायल देने के लिए, उनका चॉइस ही नहीं हो रहा है। और पेखम यहाँ पे बैठी है, बैठ के कुछ गेम वगैरह खेल रही है और मैं भी बैठ के वेट कर रही हूँ, देखती हूँ यहाँ पे भी चॉइस होता है कि नहीं। अभी एरो में आई हूँ।